नमस्ते फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं इंस्टेंट बनने वाला चुरमुरे का चिवड़ा या फिर मुरमुरे का चिवड़ा। स्कूल स्टार्ट हो गई है, बच्चों के लिए छोटे टिफिन के लिए जो स्नैक्स बनता है उसी के लिए एक रेसिपी है, या फिर शाम को 4 बजे चाय पीते वक्त जो छोटी वाली भूख लगती है उसके लिए तो ये परफेक्ट चिवड़ा है। बिल्कुल इंस्टेंट बनता है, आसान है और कम सामान में बनता है। इस तरीके से मैंने लगभग 1/2 kg मुरमुरा लिया है। वैसे तो मुरमुरा क्रंची है लेकिन फ़िलहाल बाहर बारिश का मौसम है इसलिए मैं थोड़ा सा उसे ड्राई रोस्ट करने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले आपको हमेशा मुरमुरे को छलनी से उसे छान लो ताकि मुरमुरे का जो एक्स्ट्रा पाउडर होता है या फिर कोई डस्ट होती है तो वो भी निकल जाती है। इस तरीके से मैंने बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पर मुरमुरे को अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लिया है। कम से कम 5 से 7 मिनट आपको लो टू मीडियम फ्लेम पे उसे कंटिन्यूसली स्टियर करते हुए इस तरीके से भून लेना है। अगर आप यह रेसिपी समर में कर रहे हो तो सिर्फ आपको उसको धूप लगानी है, आपको इसे बिल्कुल भी रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से 5 से 7 मिनट के लिए उसे अच्छे से रोस्ट कर लेना है और उसे निकाल लेना है। अब हम लगाते हैं तड़का। बिल्कुल इंस्टेंट वाला चिवड़ा है इसलिए मैं डायरेक्ट आपको तड़का रेसिपी बताती हूँ। यहाँ पर मैंने लगभग 4 to 5 tablespoons ऑयल लिया है। ऑयल को अच्छे से गर्म करने के बाद आप देख सकते हो 15 से 20 लहसुन कलियों को मैंने लंबा काटते हुए उसके टुकड़े किए हैं। आप चाहे तो नॉर्मल स्मॉल टुकड़े भी कर सकते हो। वैसे भी फ्राई होने के बाद जो लहसुन है छोटा हो जाता है और क्रंची होने के बाद मुरमुरे के चिवड़ा हो या फिर पोहे का चिवड़ा हो उसमें बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। यहाँ पर आप लहसुन को स्किप कर सकते हो। इसी तरह से आप ऑनियन को भी फ्राई कर सकते हो लेकिन यहाँ पर मैंने सिर्फ नॉर्मल सिंपल गार्लिक यूज़ किया है। आप देख सकते हो अच्छे से गोल्डन कलर आने के बाद ही आपको अगली स्टेप करनी है। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट, लहसुन आपको हमेशा लो टू मीडियम फ्लेम पे ही अच्छे से फ्राई करना है, अदरवाइज़ वो अंदर से सॉफ्ट रहता है और ऊपर से वो लाल हो जाता है। इसलिए आपको ये स्टेज लो टू मीडियम फ्लेम पे ही करनी है। अब जो लहसुन है मैंने निकाल लिया है। अब जो जो हम फ्राई करेंगे उसे आपको मुरमुरे के ऊपर ऐड करते जाना है। इस तरीके से मैंने सारा लहसुन उसके ऊपर ऐड किया है। अब उसी तेल में मैंने ऐड किया है 1 cup मूंगफली। आप आपके टेस्ट के हिसाब से मूंगफली यहाँ पे कम ज़्यादा कर सकते हो या फिर आप ड्राई फ्रूट्स मतलब काजू या फिर बादाम भी इसमें ऐड कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैंने सिर्फ 1 cup मूंगफली को ऐड किया है। आपको मूंगफली को भी लो टू मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करना है, अदरवाइज़ मूंगफली अंदर से कच्ची रहेगी और वो सॉफ्ट हो जाएगी। इसलिए आपको लो टू मीडियम फ्लेम पर ही मूँगफली को अच्छे से फ्राई कर लेना है ताकि चिवड़े में मूँगफली का क्रंची टेक्सचर आएगा। आप देख सकते हो थोड़े ही 3 से 4 मिनट के बाद मूंगफली का कलर चेंज होने लगा है और जैसे जैसे वो अच्छे से फ्राई होने लगेगी वैसे वैसे वो स्प्लिट हो जाएगी। इसका मतलब हमारी जो मूंगफली अच्छे से अंदर से भी फ्राई हो गई है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। आप देख सकते हो इस स्टेज पर आपको निकाल लेना है, अदरवाइज़ थोड़ा ज़्यादा लाल करने में वो काली हो जाती है। इस स्टेज पर आपको मूँगफली को निकाल लेना है। अब उसी तेल में हम ऐड करेंगे जीरा और राई। क्योंकि हम बिल्कुल इंस्टेंट वाला और सिंपल चूड़ा बनाने वाले हैं इसलिए अब हम नॉर्मल तड़का लगाएंगे। उसी तेल में मैंने राई और जीरे को तड़का लगाया है। लगभग 1 tablespoon राई और 1 tablespoon जीरा मैंने ऐड किया है। उसी के तुरंत बाद मैंने यहाँ पर ऐड किया है 1 tablespoon वाइट तिल, जिससे मैं यहाँ पर मैंने ऐड किया है। यहाँ पर तिल ऑप्शनल है लेकिन चूड़ा अगर हो तो ज़्यादा टेस्टी लगता है। इस तरीके से राई और जीरे का तड़का अच्छे से बैठने के बाद हम ऐड करेंगे लगभग 1/2 tablespoon हींग पाउडर। हींग से हमारा जो चूड़ा है उसका जो टेस्ट है बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। इसे लगभग 15-20 सेकंड भूनने के बाद आपको इसमें ऐड करना है हरी मिर्च। अगर आप सिर्फ हरी मिर्च का ही इस्तेमाल करने वाले हो तो आपको बिल्कुल क्रंची टेक्स्चर आने तक हरी मिर्च को यहाँ पर भून लेना है। लेकिन मैं यहाँ पर यूज़ करने वाली हूँ रेड चिली पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर मैं यहाँ पे इस्तेमाल करने वाली हूँ इसलिए मैं यहाँ पे ग्रीन चिली का इस्तेमाल नहीं करने वाली हूँ। अब मैं यहाँ पे ऐड करूँगी 1/2 tablespoon हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर ऐड करने के बाद आपको गैस की फ्लेम लो कर देनी है और उसे अच्छे से फ्राई कर लेना है, अदरवाइज आपकी हल्दी हो जल सकती है। अब हमने जो रोस्ट किया हुआ मुरमुरा है वो उसके अंदर ऐड करते हुए हम मिक्स कर लेंगे। अब इसी के ऊपर मैंने ऐड किया है 1 tablespoon रेड चिली पाउडर और 1 tablespoon नमक। आप आपके टेस्ट के हिसाब से यहाँ पे नमक और हरी मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हो। अब हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। इस स्टेज पे आप गैस की फ्लेम बंद भी कर सकते हो या फिर 2 मिनट के लिए मिक्स होने तक उसे अच्छे से लो फ्लेम पे मिक्स कर सकते हो।
आप देख सकते हो हल्दी की वजह से हमारा जो चूड़ा है उसका जो कलर है वो चेंज होने लगा है। इस तरीके से आपको बिल्कुल बड़े बर्तन में इसे अच्छे से मिक्स करते हुए मिक्स कर लेना है। यहाँ पे आप 1 टेबल स्पून शुगर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। इस तरीके से मैंने सारा चूड़ा अच्छे से मिक्स कर लिया है और गैस की फ्लेम भी बंद कर दी है। अब जो हमारा चूड़ा है वो बिल्कुल बनके रेडी है। 5 से 10 मिनट में हमारा चुरमुरे का चूड़ा बनके रेडी हो जाता है। यहाँ पे मैंने रेडीमेड सेव का इस्तेमाल किया है, या फिर आपके पसंद का फरसान इसमें ऐड करते हुए आपके चूड़े को और एक्स्ट्रा टेस्टी बना सकते हो। और आप देख सकते हो थोड़ी सी सेव ऐड करने के बाद मैंने फिर से चूड़े को अच्छे से मिक्स कर लिया है और हमारा बिल्कुल गर्मा गर्म क्रंची वाला चूड़ा बनके रेडी है। स्नैक्स में खाओ या फिर बच्चों के स्मॉल टिफिन में दो, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। और इस तरीके से चूड़ा होने के बाद उसे बिल्कुल एयरटाइट कंटेनर में या फिर प्लास्टिक की थैली के अंदर उसे रबर से पैक करते हुए रखना है, अदरवाइज़ वो सॉगी हो जाएगा।